हमारे आज के यहाँ जो गेस्ट हैं, इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। जावेद राय साहब हमारे यहाँ सरपंच और पंच और आप लोग जो आज का ये प्रोग्राम है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना है आपको। फॉरेस्ट राइट कमेटी का जो पिछले 15-20 दिन से या एक महीने से चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे हमारी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया है, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, कहाँ फॉर्म सबमिट करने हैं, पटवारी का क्या काम होगा, फॉरेस्ट गार्ड का क्या काम होगा, रोड गवर्नमेंट का क्या होगा। तो उस सिलसिले में हमारे बीच जावेद राय साहब हैं जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वो हमें पूरा डिटेल में बताएंगे। और जिसको कोई कंफ्यूजन होगी जहाँ समय नहीं आए वो लास्ट में सवाल भी करेंगे और ये वो सारी कंफ्यूजन दूर भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमें बर्दाश्त करेंगे एक घंटे के लिए, क्योंकि आप लोगों की समझ में आएगा तो आगे फील्ड में जो है इसको लागू किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में जनाब जावेद भाई साहब जो है वो आपको खताब करने जा रहे हैं। तो हमारे पहले जावेद चौधरी बीडीसी चेयरपर्सन पलाकोट का पुत्र, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के बाद में आज पहली बार आपने हाजिर हो रहा हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा था कि पंचायत वाले हम टूर करेंगे और बात करेंगे, लेकिन आज ये जो प्रोग्राम है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बड़ा हिस्टोरिक हो पाया है कि ये कानून 2006 में पास हुआ था बाकी हिंदुस्तान में, उसका बेनिफिट हमारी स्टेट में नहीं दिया। और ये अब जब कमेटी बनी है तो ये कानून यहाँ भी एक्सटेंड हुआ है। अभी हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं, मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये एक्ट नहीं पढ़ा, मैं भी इलेक्शन में बिजी रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि इसके क्या फायदे हैं, कैसे अपने हकूक जो है कैसे अपना क्लेम करना है, क्या है। फिर अपने जावेद भाई साहब हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हमने रिक्वेस्ट की कि आप आए तो हमारे लोगों में अवेयरनेस दें कि ये क्या एक्ट है, अपने हकूक कैसे हासिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों को। तो आपके जो भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन है पहले के आपको बताएंगे, पूरे तरीके से डेमो देंगे, उसके बाद जो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो लिहाजा कि आज का फंक्शन सिर्फ इसी काम के लिए महदूद रहेगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर ही। मैं दोबारा इंशाल्लाह फिर आपने हाजिर होगा, आपके जो डेवलपमेंट इशूज है, रोजमर्रा जिंदगी के जो मसले मसाइल हैं वो सुनेंगे, बैठेंगे और उन पर काम करेंगे। तो हम जावेद भाई साहब को दावत देते हैं कि वो बहुत सारी जो हमारे लीडर साहिबान हैं, चाहे वो पुंछ जोरी पीर खिताई पीर पंजाल के हों या दूसरे, सबको मैंने एक मैसेज भेजा कि मैं तैयार हूँ ये बताने के लिए लोगों को कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के ज़रिए आपकी ज़मीनों पे जो आपका एक इख्तियार रहा है पिछले कई सालों से, उसको सरकार तस्लीम करने जा रही है, तो वो कैसे होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जावेद चौधरी साहब का कि इन्होंने उसी वक्त जवाब दिया और बोला कि भाई पीडी में और कोट रंका में मैं दो प्रोग्राम आपके करवा दूंगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया हूँ, मुझे इसकी जानकारी है, मुझे इस एक्ट से प्यार है, क्योंकि ये आपको आबाद करने वाला है और मैं चाह रहा हूँ कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, इसीलिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। मैं बीडीओ सलाम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ तशरीफ फरमाए, खासकर जावेद साहब का कि उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि आप आएँ और हमारे लोगों को इस बारे में आगाह करें।
तो क्योंकि जो एक दफा जो बात बोली जा चुकी होगी फिर वो आपको कोई चीज रह गई तो फिर आपने ये है दी फॉरेस्ट राइट एक्ट। फॉरेस्ट राइट का मतलब हो गया कि जंगल पे आप के बारे में एक कानून जो 2006 में जो है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू करने के लिए निकाला गया, 2008 में उसको बाकायदा तौर पे लागू किया। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारी रियासत को एक स्पेशल स्टेटस हासिल था तो कुछ हमारी तरफ से प्रोसीजन में कमी हुई कुछ ऊपर से, तो ये लागू नहीं हुआ। तो फिर जब 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइज किया गया, यूटी अलग कर दी गई, स्टेट को यूटी बनाया गया, लद्दाख को अलग किया गया, बहुत सारे कानून जो गरीब गुरबा के लिए थे, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थे या दूसरी लोगों के लिए था, उनको दिया गया लोगों को, जिसमें कि ये कानून भी एप्लीकेबल किया गया जम्मू कश्मीर में, इसको भी डाला गया जम्मू कश्मीर में, ये भी लागू रहेगा। अब सरकार ने जो इसमें बहुत सारे कदम उठाए हैं उसमें कमेटियां बनाई हैं, चार तरह की कमेटियां हैं इसमें, ठीक है, इसमें चार तरह की कमेटियां हैं। एक आपकी आ गई ग्राम सभा, वो तो आपने सुना होगा आज तक तो सुना ही होगा, और इसकी FRC मतलब फॉरेस्ट राइट कमेटी, ठीक है ना, एक तो ये होगी। एक दूसरी हो गई सब डिविजनल कमेटी, ठीक है ना, फिर आ गई आपकी सब डिविजनल लेवल कमेटी, ठीक है जी, फिर आपकी आ गई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, और फिर आ गई आपकी चार में स्टेट लेवल कमेटी, ठीक है जी। इनको पहले समझ लेते हैं फिर आगे आपको बताते हैं। इसके बारे में ग्राम सभा के बारे में आपने सुना होगा, एक पंचायत में जितने लोग अडल्ट हैं मतलब जो बालक हैं वो एक जगह इकट्ठे होंगे, उसमें से 50% होने चाहिए वहां पे, तो वो एक कमेटी चुनेंगे, उसमें वो कहेंगे कि 10 से 15 की कमेटी हो सकती है, अगर 15 की कमेटी है तो 2/3 मतलब 10 लोग जो हैं वो ST होंगे इसमें, ठीक है, और 15 में 5 होते होंगे, ठीक है ना। और ये अगर आपने कमेटी जैसे ग्राम सभा बैठी हुई है वही नॉमिनेट करेगी कि भाई बताओ जी 10 ST के 10 लोग, एक एक बंदे का बोलो, अगर किसी को एतराज होगा वो बोलेगा। अगर कोई अपने घर में कमेटी बनाता है तो वो वैलिड कमेटी नहीं है, और अगर उसने खुद ही कमेटी बना के भेज दी और अपनी मर्जी के लोग डाल दिए तो इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं नेक्स्ट कमेटी के पास, दूसरी कमेटी के पास। अब मैं बताता हूँ, दूसरी कमेटी जो है वो होगी तहसीलदार साहब, रेंजर साहब और BDO साहब, ठीक है ना, वो जो है वो 3 लोग जो हैं और आपके 3 लोग जो BDC के मेंबर होंगे वो उसमें मेंबर होंगे, वो दूसरी कमेटी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में DC साहब और DPO पंचायत का ऑफिसर और DFO साहब जो हैं उस कमेटी में होंगे, वहाँ ST के भी 2 मेंबर होंगे। फिर स्टेट लेवल कमेटी में चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, उनके साथ ट्राइबल का अफेयर का कमिश्नर होगा, फॉरेस्ट का होगा, दूसरे लोग होंगे और उसमें ST के भी 2 लोग होंगे। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना, इतना तो पता है। आपने कमेटियां बना ली हैं, समझ आ रही है जैसे आपने कमेटी तो बना ली होगी ना, सब गांव में, हर गांव में कमेटी बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। आप आपने उनमें से 15 में से 10 लोग ST चुन लिए, तो इन 15 ने मिलके एक चेयरमैन चुनना है अपना, वो भी चुना होगा आप लोगों ने, और एक सेक्रेटरी चुनना है। हाँ, वो कोई भी हो सकता है, चाहे ST हो, नॉन ST हो, जिसको आप चाहें, ठीक है ना। आप ये बताना है मुझे कि इस जो ये जो एक्ट है इसका असल में मकसद क्या है, मतलब कैसे ये कमेटियां काम करेंगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आप कमेटी मेंबर हैं कुछ है, तो कमेटी कैसे काम करेगी। कमेटी जी कमेटी करेगी गांव के बियाह पे काम, मतलब ग्राम का केंद्र के ऊपर काम कराई, ग्राम की इमा के ऊपर काम कराई, ग्राम की कंड के ऊपर काम कराई, तो अपने मतलब ऑन बिहाफ ऑफ गांव के ऊपर, गांव के इमा पे काम करी, अकेले नहीं, मतलब इसके पास वो नहीं, उसको बार बार गांव के पास जाना है कि भाई ये क्लेम है। उन यू के कराई बेसिकली
इस एक्ट की एक खास बात यह है कि ये एक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। आपको एक्ट में बताया गया है कि आपने दावा लेके किसी तहसीलदार वीडियो किसी अफसर के पास नहीं जाना है, ना किसी को पैसा देना है, ना किसी को कोई फीस देनी है, कुछ नहीं देना है। आपने क्या करना है, पहले मैं कमेटी का बताता हूँ। कमेटी ने क्या करना है, कमेटी ने ये करना है कि सबसे पहले उसने क्लेम लेने के लिए ना नोटिफिकेशन निकालना है। उसने नोटिफिकेशन निकालना है कि हम जो है क्लेम ले रहे हैं, तो क्लेम लेने का नोटिफिकेशन निकालना इन्होंने है, मोटी मोटी मैं बातें बता रहा हूँ। दूसरी, उसने क्लेम के बाद निशा क्लेम के बाद उसने मैं पहले क्लेम पे ही आ जाता हूँ, तो बाद में इसको बताता जाता हूँ कि वो कैसे आपके साथ काम करें। आप क्लेम लेके जा रहे हैं, आप मुझे पूछते हैं ये क्लेम में क्या, हम क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्लेम करें। तो सबसे पहले आपके पास जो जमीन है वो क्या है, जमीन क्या है। सबसे पहले लोग कहते हैं मेरे को खालसो है, खालसा ही हो सकेगी, वह हो सके या हो सके। पहले क्लियर करते हैं हम जमीन कौन सी है। जमीन है जी जंगलात, ठीक है ना, जंगलात। जंगलात डिपार्टमेंट की या उसकी एंट्री किसी भी जमीन पे है, आप लोग बेहतर जानते हैं मेरे से, किसी भी जमीन पे अगर एंट्री है, जंगलात ने सरकार की है लेकिन जंगलात की एंट्री हो गई है, जंगलात जैसे कब्जा दिखाई गई है कभी भी, वो जमीन, ठीक है। एक दूसरा इन्होंने बोला डीम्ड फॉरेस्ट, डीम्ड फॉरेस्ट में वो फॉरेस्ट आ गया जहां आपको लगता है देखते ही लगता है ये फॉरेस्ट जंगल है, जंगल है ये सामने, वो किसी का भी हो, सरकार में हो या ना हो या जंगलात का हो, तो उसमें 60% दरख्त जो है वो होने चाहिए वहां पे मौजूद, 60% से ऊपर। मतलब अगर 100 कनाल रकबा है तो 60 कनाल पे अप्रोक्सीमेटली अंदाजन जो है वो जंगल दिखाई देना चाहिए, एक जंगल। फिर एक जमीन है जी जंगल जाट, ठीक है ना, उसका लिखा है जंगल जाट, नोयत जमीन, किसमें जमीन जंगल जाट, ये भी इसमें आती है और आपकी डोके बैके वगैरह इसमें आती है, ठीक है। इसमें वो सरकारी जमीन नहीं आती कि जो आप कहेंगे कि मेरे पास ही खालसा सरकार है और वो मैं ले रहा हूँ, वो जमीन इसमें नहीं आती। ये चीज आपको क्लियर होगी कि जमीन कौन सी है, जमीन का क्लियर हुआ कि जमीन कौन सी है। जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्लेम जो है वो कैसे बनाना, फिर मैं बताऊंगा कमेटी क्या करेगी इसमें, ठीक है। आपने क्लेम कैसे बनाना, क्लेम में है फार्म ए है आपका निजी क्लेम। आप एक जगह रहते हैं, डोक का नहीं है ये आपका यहाँ रहने का है कि आप एक जगह रह रहे हैं, उसमें आपका कब्जा है जमीन के ऊपर, या आपके पुश्तनी लोग जो है फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर है, फॉरेस्ट के बाशिंदगान है वहां रहने वाले। उसमें दो कैटेगरी इन्होंने बनाई है, एक बनाई है शेड्यूल ट्राइब ST, जो ट्राइबल डिक्लेयर हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ST, जिसमें गुजर बकरवाल गद्दी सीपी बोर्ड गारा चंपा 12 कबीले हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उनके लिए रूल अलग है और जो अदर है उनके लिए अलग है। जो 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 रूल है, ST रहना चाहिए उस जमीन के ऊपर सबूत के साथ 13 दिसंबर 2005 से, 2004 में सितंबर अक्टूबर 2005 में अगस्त में जनवरी में या फिर उससे पीछे कभी भी वो रहता हो, उसके पास सबूत हो, उसके सबूत में बताऊंगा क्या। और अगर दूसरा है कोई अदर कम्युनिटी का है, अदर फॉरेस्ट डवेलर्स है और वो फॉरेस्ट में रह रहा है 3 नस्लों से, उसका दादा रह रहा है, उसका बेटा उसका क्लेम नहीं कर रहा है, तो पोता उसका क्लेम कर रहा है, कह रहा है कि मेरा दादा रह रहा था, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि भाई आपको ST को 2005-13 से पहले के सबूत चाहिए और उसको चाहिए। अब सबूत क्या क्या चाहिए, अब इस फार्म ए के साथ आपने क्या क्या सबूत लगाने हैं। सबूत सरकार कहती है एक से ज्यादा जितना आप कर सके उतने सबूत आप लगा सकते, तो एक से ज्यादा हम सबूत कौन से होने चाहिए, माल महकमा के अगर आपकी कोई गिरदावरी वहां पे लगी है और टूट गई, कोई तोड़ छोड़ी, कोई कुछ किया है, मतलब कोई रॉन्ग एंट्री आपके नाम पे है,
वो आपके काम आ सकती है महकमा माल की, पटवारी ने की है किसने की, ठीक है ना। एक तो वो महकमा माल को आप लोग अच्छी तरह कैसे जानते हैं, कोई भी आपके जमीन के नाम पे कोई आपका नाम कहीं आया है बीच में तो वो आप तो वो पुरानी नकल आप निकालेंगे, चाहे कट गई है गिरदावरी या कुछ भी है उस डेट की निकालेंगे। अगर आप एसटी हैं तो 2005 से पहली, तो दूसरे जो हैं वो अगर कोई रिकॉर्ड उनके पास पुराना है वो पेश कर सकते हैं महकमा माल का। फिर आप कर सकते हैं महकमा जंगलात का, ठीक है ना, कि महकमा जंगलात ने आपको जमीन अलाट की, पट्टा दिया, कुछ दिया, आपको वहां जाने की इजाजत दी, माटो दिया, कुछ दिया, वो अगर आपके पास कोई कागज निकला है, जुर्माना किया आपको वहां से निकाला खदेड़ा, अगर आप एस टी हैं 2005 से पहले या फिर पहले किसी जमाने का आपका अगर अदर्स है तो उसमें आपको अगर खदेड़ा गया तो उसका सबूत चाहिए आपको दो, मतलब एटलीस्ट मतलब उनका या इनका या किसी का दो ही सबूत चाहिए। तीसरा जनाब इसमें आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का कोई भी कागज, कोई भी कागज, अगर आप एस टी हैं तो आपका वहाँ पे चूल्हा है, आपका वहाँ पे जमीन उस जगह पे घर है, आपकी बिजली का बिल है, कोई चीज़ एस टी सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट सब्जेक्ट है, आपका कुछ है, तो वो ज़रूरी उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का जो साबित, आपका बेटा वहाँ पे दाखिल हुआ है, आप वहाँ रह रहे थे, ये भी सबूत है। तो मैंने वहाँ बताया कि एक ट्राइबल एरिया में दूसरी स्टेट में कोई सबूत नहीं मिला, उसने कहा मेरे ऊपर थाने में FIR लगी थी 2005 से पहले, उसमें मुझे यहाँ से ले गए थे, उसने जिमनी लाई और रखी हुई थी। कोर्ट का कोई भी, कोर्ट इसके बाद गवर्नमेंट के बाद कोर्ट का कोई भी, कोर्ट अदालत में आप गए ना, क्या कभी आपने दावा कर दिया जमीन पे पहले 2005 से पहले अगर एसटी हैं और अगर आपके दादा ने कोई दावा किया हुआ था या कोई इस तरह की चीज़ चल रही थी कोर्ट में, कोर्ट के कागज आप पेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप पेश कर सकते हैं कोई सेंसिस कि भाई ये लोग यहाँ रहते थे, मर्दमशुमारी, कोई पुरानी रिपोर्ट, कोई फॉरेस्ट की रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाते ना फॉरेस्ट वाले कि इस इलाके में ये लोग रह रहे हैं, वो तो वो भी चल रहे। उसके बाद आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई ये सबूत चाहिए। अब अगर आपके पास कोई सबूत नहीं, ना आप एसटी के पास कोई सबूत है, ना आपके नॉन एसटी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप रह रहे हैं वहां रह रहे हैं, तो साइड पे कोई मकान होगा, कुछ ना कुछ वो बताता होगा ना कि भाई ये यहाँ रह रहा है, ये तो यहाँ मतलब इसकी तो रहाइश है यहाँ पे, इसका बाल बच्चा यहाँ पे, वो तो साइड पे लोग आके देखेंगे। लेकिन आप कर सकते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स मतलब दो बुजुर्ग अगर आपके हक में कह दें कि आपका दादा यहाँ रहता था मुझे, लेकिन वो खुद क्लेम नहीं लेना चाहिए, वो खुद क्लेम ना लेता हो, कोई बूढ़ा आपके हक में साथ वाले ग्राम के दो बूढ़े दोनों में से कोई आपके हक में अगर लिख के दे दे कि मैं जानता हूँ इस शख्स को, ये यहाँ रहता है इसका दादा रहता था या ये जंगल का ही है या यहाँ ही मैंने इसको देखा है, तो वो भी चल जाएगी एसटी के लिए भी और अदर देन एसटी के लिए। अगर एसटी के लिए तो वो बोलेगा 2005 से पहले 2005 इसको ये यहाँ रहता था, अगर नॉन एसटी है कोई दूसरे लोग हैं जैसे यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो दो आदमी आपके हक में बोल दें कि भाई ये इसका दादा यहाँ पे रहता था और हमने देखा कि भाई ये आदमी यहाँ पे ये रह रहा है, इसका पोता रह रहा है, तो आप पोता क्लेम कर रहे हैं, वो भी चलेंगे। लेकिन अब आपको ये क्लियर हो गया ना कि भाई सबूत कौन से चाहिए, आपके पास कौन से दो सबूत चाहिए, कोई दो जो मैंने बताए, ठीक है ना, मौके पे भी सबूत हो जाएंगे वो तो आपको पता है। अब ये जो आपने एक फार्म भी मिलेगा, आपको फार्म को आपने ध्यान से भरना है, उसमें आपने लिखना है कि हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मामूली सा फॉरेस्ट से चीजें लाते हैं, ठीक है, वो भी लाते हैं और आप जो भी फॉरेस्ट से इस्तेमाल करते हैं सिवाय दरख्तों के या उस तरह से टिम्बर जो आप यूज करते हैं ना घर बनाने, उसको छोड़ करके वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी तो ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको ये चाहिए। फिर मैं आपको कहूंगा ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये जो चीजें मैंने
रूल 13 से बताइए आपको, रूल 13 से क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि आपको एक काम और करना है अपने लिए, वो मैंने वो है आपका मैप नक्शा। कोई आदमी यहाँ पे नहीं बता पाया मुझे कि उसकी असल में फॉरेस्ट में कितनी जमीन है, ऐसे ही अंदाजे से बोलते हैं उसकी 100 होगी, उसकी उसकी 75 होगी, उसकी 15 होगी, उसकी 3 होगी, उसकी 4 होगी। कोई बंदा नहीं बता सकता मेरी असल में जमीन क्या है। जब आपने दावा देना है तो दावे में तो आपने लिखना है कि मेरी जेरे कब्जा कितनी जमीन है, जमीन का तो पता होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ, क्योंकि हमने बार एनजीओ के साथ बात की, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ लोगों को खुद पता नहीं है ज़मीन कितनी है। वो लोग आके पूछेंगे आपको कि बाबा आपकी कौन सी ज़मीन है, कौन सा एरिया है, आपने तो बोलना यो है यो 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 या ए इधर शुरू होना चाहिए, उसमें थोड़ी झुलना लगा, वो उससे बात थोड़ी चलेगी। बात यह होगी कि आपके पास पक्का नक्शा होना चाहिए, अपना बना, किसी से बनवाया हुआ। आ यार किसी पटवारी को बुलाओ, इतने लोग पढ़े लिखे हैं उनको बुलाओ, उन्होंने ट्रेनिंग की है, उनको बोलो यार मुझे मिन के दे दे, सज्जा की है खबा की है, मतलब ऊपर चढ़ की तरफ कौन सा है, नीचे कौन है, इधर कौन है, तो एटलीस्ट वो बता दे, ठीक है ना। नक्शा आपके पास होना जरूरी है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मसला आपकी जमीन का है। मसला किसका है? जमीन का, आपकी जमीन का मसला है। ये पक्का होने वाला आपकी जमीन को रिकग्नाइज किया जा रहा है, आपको माना जा रहा है आप फॉरेस्टर। आप इसके बाद फॉरेस्टर नहीं आएगा आपको पूछने के लिए आपकी तरफ, लेकिन आपको पता खुद भी तो होना चाहिए ना मेरी जमीन के लिए। ऐसे ही इस बूटा को लूँगा उस बूटा को लूँगा वो नहीं चलता, मतलब आप अपना एक तरह से एक तरीके से अपनी जमीन का जो जो सिलसिला है वो बना के रखेंगे, अपना रिकॉर्ड बनाए आप, क्योंकि आगे आपको कल आप करेंगे क्लेम दूसरी जगह, कहेंगे जी मेरा माना क्यों नहीं गया, मैं डीसी साहब के पास अपील करूंगा। तो नक्शा साथ होगा ना, ततीमा बनाया हुआ, तो नक्शा ततीमा जिसको जो भी आप लोग बोलते हैं, तो वो जो है ये तैयार करके आप मैप, ये मैं कह रहा हूँ आप, मतलब इसमें लिखा हुआ ना वो मांगेंगे भी नहीं, कमेटी ने आपसे नहीं मांगना मैप, लेकिन जब कमेटी ने देना है तो मैप देना है। जब कमेटी ने आपकी ये जो कमेटी है इसका, इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, जो आपकी गांव की कमेटी है उसमें तो उसके साथ मैप देना है कि ये बंदा मांग तो रहा है इसकी इतनी जमीन है, उसने भी जरीब मरवानी है। अच्छा है कि आप मार के रखेंगे और बाद में पटवारी आएगा उसको बहुत चेक कर, ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना भाई, सब कुछ। तो अब एक मैप, और मैं तो कहता हूँ कि अगर कुछ लोग इस तरह से फॉरेस्ट में, मतलब ये फॉरेस्ट है पूरा, ठीक है ना, ये पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, इसमें मान लो कि ये आदमी बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है, बीच में से रास्ता जा रहा है, अगर आप अच्छा करें एक और मैप बनवा लें, सारे लोग पैसे डाल के अपने तरफ से डालें पैसे डाल के भाई पूरे गांव का ना एक मैप तरह का नक्शा सर बना लें, उस ये जंगलात में जो लोग रहते हैं उनकी मैं बात करूँ, वो अपना नक्शा बना लें, उसमें पता लगेगा एक एक का नाम होगा अलफ़दीन, ठीक है जी, अलफ़दीन की जमीन यहाँ भी है, अलफ़दीन यहाँ भी है, अलफ़दीन यहाँ भी है, से तीन जगह पे जमीन है या एक जगह पे, तो वो यहाँ पे नक्शे में दिखाई, यहाँ लिखना एक दो तीन और यहाँ नाम लिखने, लोगों के यहाँ लोगों के नाम लिखने जाने दो तीन चार यहाँ, मगर नाम लिखने के बगैर अलफ़दीन का नाम उसका नंबर लिख दो तीन नंबर पे, कोई भी जो भी है शरीफ है, शरीफ की जमीन कितनी है इससे पता चलेगा पूरे मैप। फिर आप एक बड़ा मैप लगाएंगे साथ में फोटोस्टेट, और एक छोटा लगाएंगे अपना, ए जनाब ए जिमी माड़ी है ए तको ए ए ए तीन नक्शे ना लाए हैं, आगे ना समझ, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर 14 साल से लोग लड़ रहे हैं क्लेम के लिए, उनकी जमीन ही नहीं पता चल रही है, पटवारी आता कहता नहीं ये नहीं है, ए भाई इधर उधर जल्दी लगी नहीं है या कुछ भी है जो भी वो है, ये समझ आ गया ना, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब ये आपके पास आगे दो सबूत एक फार्म, दो सबूत मैप अगर आप लगाना चाहें, नहीं लगाना चाहेंगे तो फिर आप खुद आप देखेंगे कि वो कितना टाइम लगाएंगे आपको, ठीक है ना। ये आपने फार्म भर दिया, ये किया आपने इकट्ठा, इसकी मैं कहूँगा आपको, कानून में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको कहूँगा इसकी बनाएं 3 कापियाँ सबकी, सारे जो कागज़ आप लगाएंगे फार्म के साथ उसकी बनाएं 3 कापियाँ, ठीक है ना। उसमें से एक कापी रखें अपने पास, पक्की रसीद लें, आपका रिश्तेदार है ना चेयरमैन और पटवारी, ये नहीं समझना कि आपका रिश्तेदार है, पक्की रसीद उसको कहो मोर बना के हमें पक्की रसीद दे दे कि आपने ले लिया हमारा फार्म, ठीक है। मत ये होगा अपना ही है कि नहीं किसान या ले लूंगा यार अपना चाहिए तेर है,
वो गल नहीं, लेकिन आपने जब भी क्लेम देना है कमेटी बैठेगी उसके सामने आपने क्लेम रखना अपना और उनसे रसीद ले लेनी, और कमेटी ने बोलना है कि हम फलान डेट से क्लेम ले रहे हैं, 2 बजे से 4 बजे तक लोग आ सकते हैं, ठीक है। आपने जो फाइल ले जानी है, फाइल बना के उसमें फार्म होना चाहिए और कोई 2 सबूत होने चाहिए और मैप अगर आप लगाना चाहें, 2 सबूत से ज्यादा हूँ, बहुत सारे सबूत हूँ, 15 हूँ 20 हूँ, सारे लगा जिससे आपका पक्का हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या, इनके पास ये क्लेम आ गया, उन्होंने आपको देनी है रसीद, इस कमेटी के एक्ट में लिखा हुआ है रसीद करना है, आपका फार्म जो है रसीद देनी है आपको, रे रसीद आपको अपने पास रखनी। दूसरा फार्म किधर जाएगा, आगे, एक रहेगा इनके पास, एक रहेगा आपके पास, हो गए कितने, 3 फार्म। अगर आप 3 जोड़ा बना के, क्योंकि आप इनको दे देंगे ये कहेंगे जी फोटो स्टेट ने पैसे नहीं, पैसा नहीं है फोटो स्टेट का, भाई क्या करा कितने लाऊंगा, तो इसलिए 3 कापियां पहले से बना के रखो, 3 कापियां। ये मैं कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं सरकार नहीं आपको कह रही, मैं कह रहा हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको इस जमीन इसके तहत, आपको एक्ट के तहत जमीन मिले, और जो 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 लोगों की इतने सालों से जो जो गार्ड के तंग किए हुए, फॉरेस्ट के तंग किए हुए, तो वो एटलीस्ट थोड़ा सा जमीन मिले। अब इस कमेटी ने और क्या करना है, सुनिए, इस कमेटी ने क्या करना है जी, कि जब इसके पास क्लेम इकट्ठे हो जाएंगे, ये करेगी उसकी पड़ताल बैठ के कि भाई कितने लगाए हैं भी हैं पूरे कागज या नहीं, लेकिन कमेटी आपको ये नहीं कहती, कह सकती कि ये कागज तो लाओ ही लाओ, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई किसी पे दबाव नहीं, 2 आपके पास सबूत होने चाहिए, ये ना हो कि वो कहेंगे नहीं जी ये तो जरूरी, लेकिन आपको किसी बाबू के पास नहीं जाना है, बाबू के पास किसी तहसीलदार से मशवरा नहीं करना है, आपने क्लेम जो मैं बोल रहा हूँ ये बना के आपको किसको देना है, आपकी कमेटी जो गांव की बनी है। हेलो आवाज नहीं भाई मेरा, जम्मू तो 200-300 किलोमीटर टूट गया, मेरी गल सुन गए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको कमेटी के पास जाना है और उसका सबूत अपने पास रखना है, आइंदा आपको वही चलेगा पूरा, ठीक है। अब आपने से गांव वालों ने, उसके बाद क्या करेगी, वो पड़ताल करेगी, उसके बाद वो आपको कहेगी कि फलां डेट को हम आपकी जमीन में आ रहे हैं, सुनिए जी, फलां डेट को हम आपकी जमीन में आ रहे हैं, ठीक है, तो उस डेट को आपको उधर रहना है, वहां खड़े रहना है, वहां बैठे रहना है, जब वो कमेटी वहां पहुंचे, मान लो आप भी एक मेंबर हैं उस कमेटी की, आपकी जमीन आ गई, आपने बाहर निकल जाना कि भाई ये तो ये आप खुद करें, हेलो तो आपको उसमें से बाहर निकल, अगर आप कमेटी के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, कुछ हैं, तो आपको उस कमेटी से बाहर निकल जाना है, क्योंकि आपने अपना क्लेम जो है उसमें बाहर लेना, आप बोलो कि आप फैसला करो मेरा बनता है कि नहीं बनता है। मसला ये है कि ये पहला कानून है ये जो कि जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि आपके घर गांव के लोग आपका फैसला करेंगे। सबसे ताकतवर कौन है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, कमेटी, ग्राम सभा और फॉरेस्ट राइट कमेटी, इतने अख्तियार है जितने सुप्रीम कोर्ट जज को भी है।